हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड चेंजिंग द वेरिएबल इन डिफिनिट इंटीग्रेशन। चेंजिंग द वेरिएबल क्या है ये देखते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन ठीक है, चेंजिंग द वेरिएबल अब ये कब यूज करते हैं चेंजिंग द वेरिएबल, जब हम व्हेन व्हाइल यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हाइल यूजिंग इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि 0 to 1 cos इनवर्स x dx, cos इनवर्स x dx, तो हम इसे कैसे करेंगे जी। ठीक है, cos इनवर्स x dx एक तो बाई पार्ट हम यूज करते आई और ऐसा करते तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसे दूसरे तरह से ऐसे कर सकते हैं कि 0 to 1 cos इनवर्स x इंटू dx, चेंजिंग इन वेरिएबल हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट cos इनवर्स x इज इक्वल टू हमने t, तो क्या हो जाएगा cos t इज इक्वल टू x। हाँ जी सर, ऋषभ ने बोला कि आप उसे लेट कर लो मीटिंग में। क्या वेटिंग में हो? यस सर। और कोई है? ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी डी टी इक्वल टू डी है, ऐसा बन जाएगा। तो देखें अब लोअर लिमिट, अब देखो यहाँ पे जब लिमिट हम चेंज कर रहे हैं तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी हमें वेरिएबल भी चेंज होने पड़ेगी, यानी x t से रिप्लेस हो गया तो हमें t की वैल्यू भी x के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो देखो cos t की वैल्यू क्या होगी लोअर लिमिट के लिए, जब x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0, यानी cos इनवर्स 0 क्या होगा 1, यानी जब x 0 था तो t क्या हो गया 1। नेक्स्ट cos t इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे, यहाँ पे देखो 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे cos t यहाँ पे सॉरी यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, क्या हो जाएगा पाई बाई 2, cos इनवर्स 0 कब होता है पाई बाई 2, और cos इनवर्स 1 क्या होता है ये देखो, cos t 1 कब देता है जब हमें ये 0 होता है, जब t 0 होगा तभी तो हमें 1 मिलेगा। हाँ जी हिमांशु बोलो। हेलो, हाँ जी हिमांशु, यहाँ पे हमने cos इनवर्स x इक्वल टू हमने t लिया तो cos t इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, तो अब ठीक है इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो dx इक्वल टू हो गया माइनस साइन t dt। अब हमें x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। cos इनवर्स 0 कब होता है, यानी cos t 0 कब होता है जब t की वैल्यू क्या होनी चाहिए पाई बाई 2 cos। बात आ रही समझ में, cos इनवर्स 0 की वैल्यू यानी 0 कब देता है cos जब पाई बाई 2 होता है, और cos t 1 कब देता है जब t इज इक्वल टू क्या हो 0। बात समझ में आई, तो अपना लिमिट क्या चेंज हो जाएगा कि 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा पाई बाई 2, अपर लिमिट हो जाएगा ये
cos इनवर्स x की जगह पे हो जाएगा t माइनस साइन t v। कोई दिक्कत है कि इसमें? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट होकर ऐसा बन गया i इज इक्वल टू, ठीक है, i इज इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई टू टू वन टी साइन टी डी। किसी को दिक्कत है जी इसमें? इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, हाँ जी, यहाँ नो सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते तो बाई पार्ट लगा देते थे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसको हम सेकंड फंक्शन मान ले, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt और माइनस बाहर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा लिमिट हमारा हो जाएगा, देखो पूरे में लिमिट हमारा लगेगा पाई बाय टू वन माइनस, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे dt का, dt बाय t dt, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आ जाएगा माइनस cos t, फिर आ जाएगा dt, और ये लिमिट आ जाएगा पाई बाय टू टू वन। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे t माइनस cos t और ये हो जाएगा वन पाई बाय टू, ये माइनस बाहर रहेगा। हाँ जी बोलो सर, t की लिमिट पाई बाय टू से जीरो नहीं आएगी? पाई बाय टू से जीरो, हाँ जीरो आएगी, सॉरी पाई बाय टू से जीरो, पाई बाय टू से जीरो, पाई बाय यहाँ पे लिखा है हमने, लेकिन वो बाद में वन आ गया दिखा। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, ये बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये dt का डिफरेंशिएशन तब वन हो जाएगा माइनस cos t, तो बाहर cos हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2। अब इसको ओपन करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बाहर हमने रखा, यहाँ पे t 0 रखेंगे, ये माइनस आ जाएगा, cos 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पाई बाय 2 करेंगे और cos पाई बाय टू होगा तो ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे देखो ये जीरो हो जाएगा, तो साइन टी जीरो माइनस साइन पाई बाय टू ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा जी। आवाज क्यों आ रही है जी? हेलो, वीरेंद्र है सर। ठीक है जी, अब देखे तो ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत है? यहाँ पे ये देखो, हम फिर से इसे रिपीट करते हैं, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो ये वैल्यू जीरो, ये भी जीरो, cos पाई भी जीरो होता है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन जीरो माइनस वन, ओवरऑल अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी वन, यानी cos इनवर्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट्स योर आंसर। अब हम मैं इसको रिपीट करता हूँ, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताएं। देखो यहाँ पे cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, जीरो टू वन लिमिट हमें दी गई है। ठीक है, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx जीरो टू वन, लिमिट हमारी क्या है जीरो टू वन, यानी x कहाँ से कहाँ लाई करेगा जीरो टू वन। अब देखो हमने इसमें चेंजिंग वेरिएबल लगाया, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अप्लाई किया, तो cos इनवर्स x को हमने t माना, cos इनवर्स x को हमने t माना, cos इधर जाएगा, cos इनवर्स जाएगा तो cos t हो जाएगा, इधर x इसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन t इंटू डी टी dx। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी, क्योंकि हमने x को चेंज कर रहे हैं, तो x का लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ cos t इक्वल टू x की वैल्यू हमने क्या पुट किया लोअर लिमिट जीरो, तो cos t cos जीरो कब होता है जब एंगल क्या हो पाई बाय टू, यानी t की वैल्यू पाई बाय टू। नेक्स्ट में वन, cos t की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे देखो तो वन, तो वन कब देगा जब cos क्या हो जीरो, cos का एंगल क्या हो जीरो, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो हमारा लिमिट चेंज हो गया पाई बाय टू, ये देखो पाई बाय टू टू जीरो और टी, ठीक है टी, ठीक है पाई बाय टू और साइन टी डी टी, माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, तो हमारा ऑप्शन आप देखो बाईपास लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को हमने टी माना, यानी यहाँ पे हमने क्या यूज किया आईलेट यूज किया, यहाँ पे हमने क्या यूज किया आईलेट किया, आईलेट यूज किया, ये देखे आईलेट यूज किया तो अलजेब्रा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, किसी को इसमें दिक्कत है जी, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, यहाँ पे देखो टी आ गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन ये पूरे फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की, लिमिट की वैल्यू क्या है पाई बाय टू जीरो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस यहाँ पे हमने कर दिया उसको मल्टीप्लाई किया, अगेन इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है अगेन हमने इसे इंटीग्रेट किया तो साइन ये बाहर आउट अंदर में माइनस है और यहाँ पे देखो बाहर में माइनस है, ये देखो बाहर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन और फिर हमने लिमिट किया पाई बाय टू को, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जीरो माइनस कॉस को हमने बाहर लिख लिया तो माइनस जीरो इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होगी लेकिन बाहर में क्या है जीरो, ये कंप्लीट जीरो कर दिया, यहाँ पे टी इक्वल टू क्या होगा माइनस और एक और माइनस तो पाई बाय टू, तो ये हो गया कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो होती है जीरो प्लस जीरो, फर्स्ट अपर लिमिट यहाँ पुट करिए साइन में तो टी साइन जीरो माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाय टू, ये हो गया माइनस, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो 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 माइनस, बाहर में माइनस है तीस, हाँ जी इसमें किसी को डाउट है, हेलो हाँ जी आगे बढ़े, ठीक है सर, वो फॉर्मूला लगा के कर सकते थे सर x cos inverse x minus under root 1 minus x square, देखो वो क्या होता है cos inverse x का क्या होता है वो डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है ना, आप बताओ वो क्या होता है 1 upon root over 1 minus x square क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है ना, cos डिफरेंशिएशन नहीं सर x cos inverse x minus root 1 minus x square, वो तो इंटीग्रेशन ही होता सर, अच्छा वो डायरेक्ट आप अगर याद है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है आप डायरेक्ट अगर आपको याद है cos inverse x का इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हाँ जी अनिकेत कोई yes, दिक्कत sir. हाँ जी नो सर, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ट्राई दिस क्वेश्चन जी, ट्राई दिस क्वेश्चन,
अजनिकेत क्वेश्चन हुआ? अजनिकेत नो सर। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इसे। देखो यहाँ पे देखिए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अगर हम अज्यूम कर लेते हैं तो अपना क्वेश्चन एक ही हो जाएगा। देखो तो बात कुछ समझ में आ रही है, तो ये रूट से हम बाहर आ जाएंगे और ऊपर भी उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी, कॉस चीज से कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ बात बन जाएगी, ये ऐसा हमने सोचा। ठीक है देखते हैं, तो हमने की रूट किया, रूट एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी, क्या पुट किया ए साइन टी, तो यहाँ पे ए साइन टू किया तो ये क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी डी टी, क्या पुट किया ए कॉस टी डी टी हमने पुट किया। ठीक है तो यहाँ पे देखो अब हमने लोअर लिमिट भी हम चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे देखो x की वैल्यू जीरो लेंगे तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अगर जीरो पुट करेंगे तो a साइन t ऐसा बनेगा, तो t इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे a लेंगे तो a साइन t हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये पाई बाय टू सर, साइन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय टू, अपना लिमिट भी चेंज हो जाएगा जीरो टू पाई बाय टू, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, और डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा ए कॉस टी डी टी, और नीचे में रूट ओवर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं जीरो टू पाई बाई टू ए क्यू साइन स्क्वायर टी कॉस टी डी टी अपॉन, नीचे से बाहर क्या हो जाएगा ये देखो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी ए क्या हो जाएगा अंदर में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और जीरो से पाई में कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, तो हम बाहर डायरेक्ट ए कॉस टी हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो बात आई समझ में, रूट के अंदर देखो अगर अपना ग्राफ बनाते हैं यहाँ से देखो जीरो टू ये देखो पाई बाई टू, यहाँ पे कॉस अपना पॉजिटिव है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ए कॉस टी आ जाएगा बाहर में। ठीक है ये देखो ए कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, ठीक है और ए भी एक कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया टू, तो बाहर क्या हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? हेलो हाँ जी बोलो। हाँ जी पदम सर। हाँ जी अब यहाँ से देखो जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर टी डी टी हो गया, नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं देखो अब ए स्क्वायर है साइन स्क्वायर को हाफ एंगल कॉस टू एंगल में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं वन माइनस कॉस टू लीनियर बनाते हैं बाय टू जीरो से पाई बाय टू डी टी ऐसा हो जाएगा। देखो तो हाँ जी ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर ये बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाई टू यानी वन बाई टी ऐसा हो जाएगा, और कॉस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टू टी बाई टू, और ये वन बाई टू बाहर पहले से तो है ही, ठीक है ये एक बाहर तो ये है इससे हम कैंसिल करते हैं। ठीक है जी समझ में बात आई है? हेलो हाँ जी ये बात समझ में आई जी? यस सर। ठीक है तो वन बाई टू टी के जगह पे पाई बाई टू हो जाएगा और जीरो एज इट इज रह जाएगा, वन बाई फोर साइन पाई बाई साइन क्या हो जाएगा टू पाई बाई टू माइनस यहाँ पे साइन टू जीरो, ठीक है ऐसे ये जीरो हो जाएगा, ये पाई साइन पाई भी जीरो होता है साइन जीरो भी जीरो होता है, तो मल्ली अपने पास बन जाएगा ए स्क्वायर ऑफ इनटू पाई बाई फोर, यही अपने आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है जी? हेलो नो सर। सुन इसको फिर से रिपीट करें, यस
यस सर। ऐसा क्यों हमें करना पड़ा, हमने साइन ही क्यों लिया? देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, तो ये यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो यानी यहाँ पे अगर एक के जगह पे साइन स्क्वायर रहता या कॉस स्क्वायर रहता, कॉस स्क्वायर थीटा ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में से कोई हम ले सकते हैं ना, ये देखो तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म बन जाएगा कि नहीं, सिंगल टर्म बन जाएगा ना। इसलिए हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसलिए हमने ए साइन थीटा लिया, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे बने तो ए स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? नो सर। हाँ जी, इसके बाद क्या हो जाएगा, रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस ए कॉस दिया गया बात ए। अब यहाँ पे ये बात भी हमें देखनी थी कि हमें लिमिट, हमने इसलिए ग्राफ बनाया कि जीरो से पाई बाई टू में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, अगर ये निगेटिव होता है ना तो रूट से हम बाहर नहीं लिख सकते, ठीक है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ट्राई करेंगे। जीरो टू वन, इंटरगेशन ऑफ जीरो टू वन, टेन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, होप यू विल डू। ठीक है, इंटरगेशन ऑफ जीरो टू वन, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ट्राई दिस क्वेश्चन जी, ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ जी ऋषभ, कैसे हो जी? हेलो ऋषभ। यस सर। कैसे हो जी? शिवम, बात समझ में आ रही जी शिवम? हाँ जी सर। ठीक है, 10 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है, अजी ये क्वेश्चन हो गया। हेलो, अजी ट्राई करें इसे क्वेश्चन का।
देखो ये क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। मेथड फर्स्ट हम देखते हैं, ये टेन इनवर्ट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा टेन इनवर्ट वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ये मेथड हमारे ये अप्लाई नहीं है जी, वो मेरे दिमाग में कहां पे आ रही बात। ठीक है जी, यहाँ पे देखें टेन इनवर्ट एक्स है और यहाँ पे रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा। अगर टेन इनवर्ट एक्स को हम अगर टी लेते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, उसकी कुछ बात नहीं बनेगी। बात आई समझ में, तो हमें कुछ ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा जिससे हमारी बात करें। तो बाई पार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे टेन इनवर्ट एक्स, देखो बाई पार्ट अगर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो भी अपनी बात नहीं बनेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। देखो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर टी लेते हैं तो यहाँ पे साइन टी टेन टी इक्वल टू डी टी हो जाएगा सेक एक्स का टी, लेकिन नीचे में दिया गया है वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वन माइनस टेन स्क्वायर कुछ बनेगा नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा इसे। ठीक है, अच्छा अच्छा हेलो, क्वेश्चन में हमने एक जगह मिस्टेक कर दी, यहाँ पे रूट नहीं है, रूट नहीं है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा। सर अगर रूट होता तो प्लस आता बीच में। हाँ प्लस आता, वही मैंने देखा कि ये तो हो जाएगा, इसके बाद देखा कि ये तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा प्लस ही है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, फिर तो रूट भी आ जाएगा सर। हाँ रूट नहीं आएगा, रूट की कोई जरूरत नहीं, नहीं रूट आ जाएगा सर, जरूरत ही नहीं है ना। टेन इनवर्ट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो आप मेथड फर्स्ट अप्लाई कर लो यहाँ पे। मेथड फर्स्ट क्या होता है कि एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स डीएक्स हो तो क्या हो जाता है, एफ एक्स का पावर टू अपॉन टू प्लस सी, याद है जी। ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे, ये देखो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स दिया गया है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स का पावर टू अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, एक मेथड ये हो गया, तो यहाँ पे देखा टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन टेन इनवर्स वन, यानी क्या हो जाएगा, ये सी क्लियर अपनी वैल्यू ऐसी हो जाएगी वन टू जीरो। ठीक है, वन टू जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो वन बाई टू बाहर आ गया, टेन इनवर्स वन का स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स जीरो का स्क्वायर, जैसा होगा ये जीरो होगा, टेन जीरो जीरो ही होता है, टेन इनवर्स वन क्या होता है पाई बाई फोर, तो वन बाई टू यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर पाई सिक्सटीन माइनस जीरो, यानी क्या हो जाएगा आई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन थर्टी टू आ जाएगा, दैट्स योर आंसर। किसी को इसमें दिक्कत है जी, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। अगर मेथड टू हम अप्लाई करते हैं, मेथड टू अप्लाई करते हैं और पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, ये क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स इक्वल टू टेन टी हो जाता और फिर क्या हो जाएगा डीएक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर डीटी, ऐसा बन जाता। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो चेंज इन वेरिएबल भी करते हैं, यहाँ पे एक जब जीरो करेंगे तो टेन भी क्या टी भी क्या हो जाएगा जीरो, यानी जीरो से पाई बाई फोर हो जाता लिमिट। लिमिट कैसे चेंज किया, ये बात समझ में ही, जब यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे, देखो अगर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा जीरो तो टी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा जीरो, और टेन इनवर्स ये देखो टेन इनवर्स वन जब पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई फोर, यहाँ तक हमने ले लिया। तो देखो टेन इनवर्स एक्स को हमने टी माना,
और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, नीचे में क्या हो जाएगा रूट वन प्लस टेन स्क्वायर टी, ठीक है, टेन स्क्वायर टी था टेन स्क्वायर टी, ये और ये कैंसिल हो गए, टी टी बच गया, तो टी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई फोर टू जीरो, यानी वन बाई टू बाहर हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन यानी पाई स्क्वायर अपॉन थर्टी टू, दैट योर आंसर। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसे ट्राई करें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एग्जांपल, ठीक है, गिवन है जीरो टू पाई बाई फोर टेन रूट एक्स प्लस कॉट एक्स टू दी पावर इनटू रियल, ऐसा है जीरो टू पाई बाई फोर रूट ओवर टेन एक्स प्लस रूट ओवर कॉट एक्स डीएक्स,